गौरव की शादी तुमसे नहीं होगी। मुझसे नहीं होगी? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं जानता कि तुम लोगों को ये सब किसने बताया, लेकिन लेकिन मैंने आलिया और पूरब की शादी फिक्स नहीं की है। वो मैंने तुम्हारे ड्राइवर से बात की थी और उसने मुझे बताया कि तुम और पूरब बात कर रहे हो, तुम पूरब से तुम्हारी पसंद की लड़की से शादी करवा रहे हो। तो तन्नू, मुझे नहीं पता उसने तुम्हें क्या बताया। हाँ, मैं पूरब से मिला था, मैंने उससे शादी की बात भी की, लेकिन आलिया की नहीं। मेरी नहीं तो फिर किसकी? भाई बुलबुल की। नहीं अभी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि आलिया पूरब से कितना प्यार करती है, और कोई भी भाई अपनी बहन की खुशियां से नहीं छीन सकता। प्लीज अभी बोल दो कि ये सब कुछ झूठ है। आलिया को जाके बोलो कि तुम मजाक कर रहे हो। हाँ तनु, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मैंने जो किया ना, उसी में आलिया की भलाई। इस शादी में तुम्हें आलिया की भलाई दिखती है? और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने आले से एक बार भी बात क्यों नहीं की? तनु, ये डिसीजन लेने से पहले मैंने कई बार आले को फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। और अगर हम दोनों की बात हो भी जाती ना, तो मैं फिर भी यही डिसीजन लेता। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरी बहन के लिए क्या सही है और क्या गलत। हाँ, उसे बुरा जरूर लगेगा, लेकिन इसी में उसकी खुशी है। ओ प्लीज अभी, इस वक्त तुम्हें पता भी नहीं कि आलिया क्या फील कर रही है। मुझे आइडिया है तनु, लेकिन तुम्हें आइडिया नहीं है कि अगर ये शादी हो गई तब क्या होगा। जिस रिश्ते का बेस नहीं होता ना तनु, उस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होता। पूरा पता इसे प्यार नहीं करता। अगर वो दोनों की शादी हो जाएगी तो आलिया कभी खुश नहीं रहेगी। अगर आलिया पूरा से शादी नहीं करती है तो वो जी लेगी, लेकिन अगर अगर शादी के बाद वो खुश नहीं रहेगी तो वो जीते जी मर जाएगी। और मैं अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि पूरब और बुलबुल की शादी होगी, एंड दैट्स फाइनल। ये सब कुछ तुमने किया है ना ये सब कुछ? आलिया प्लीज मेरी बात समझ। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझे तुम? Just because मैंने तुम्हारा MMS बनवाया, तो तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? चौके ना तुम्हें तमाशा करने का, सब तमाशा बनाऊंगी तुम्हारा कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। स्टॉप इट आलिया, क्या कर रही हो तुम? भाई आप बीच में मत आइए, मैं आपको बता, इसने कुछ नहीं किया आलिया। इसी की गलती है भाई, इसने अपनी बहन के लिए आपकी बहन की खुशियां बर्बाद की। आलिया तुम कुछ नहीं करोगे। तो तुमने कभी सोचा था कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा बिल्कुल? तो अब क्या? क्या? मैं जानना चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। कम ऑन बुलबुल, अब बस भी करो, अब ये एक्सप्रेशंस देना छोड़ो। पता कितने महीनों से सुन रहा हूं तुम्हारी ये सारी बातें कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, हम आखिरी बार मिल रहे हैं, हमें वापस मिलना नहीं चाहिए, ब्रेकअप एंड ऑल दैट, अभी और प्रज्ञा दी के लिए हम साथ हैं, फिर अलग हो जाएंगे।
बस भी करो एंड वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है, हम दोनों एक हो रहे हैं, अभी खुद हमारी शादी करा रहा है, तो आई वॉन्ट टू नो कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूं मुझसे प्यार करती है, सो टेल मी डू यू लव मी मिस्टर पूरब खन्ना। ऐसे कैसे बोल दूं मैं, आई मीन मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। देखो सबसे पहले मैं सोचूंगी, फिर डिसाइड करूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुमसे प्यार करती भी हूँ या नहीं। मतलब तुम अब भी सोच रही हो कि तुम मुझे फिर से छोड़ के तो नहीं जाने वाली? ए भाई एक फूल देना। पूरब सब लोग देख रहे, तुम प्लीज रिलैक्स पूपल, देखने दो तो क्या हुआ। वाह देखो आसानी से हमारी शादी तय हुई थी, पर बच्चू मैं आसानी से तुम्हारे हाथों में नहीं आने वाली, समझे? ठीक है, तब तक ही गुलाब और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। इंतजार ही करते रहना। हो क्या गया है तुम्हें आलिया? क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हो तुम? इसकी कोई गलती नहीं है, ये डिसीजन मेरा है आलिया। ना मैंने इससे कुछ पूछा ना इसने मुझे कुछ बताया, उल्टा ये अपनी बहन के बदली तुम्हारे बारे में सोच रही। वो तो गलती से मैंने इन दोनों की बातें सुन ली, वरना इन दोनों का प्लान था कि तुम्हारी खुशी के लिए बुलबुल पूरब को छोड़ देगी ताकि तुम खुश रह सको। बिना बताए तुम्हारी खुशी के बारे में सोच रही थी और तुम ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरा है आलिया। अच्छी नहीं हूं मैं भाई, अच्छी नहीं, सब समझ में आता है मुझको। आप रॉकस्टार हो, फेमस हो, सक्सेसफुल, लेकिन अरे आप तो पपेट, वो पपेट जिसकी डोर उसकी बीवी के हाथ में। चश्मा तो इसकी आंखों पर लगा हुआ है, लेकिन आपकी आंखों में तो इसका इसका चेहरा छुपा हुआ है भाई। जो ये कहती है आप मान लेते हो? इसके कहने पर ही करते हो ना आप भाई, आजकल नजर नहीं आता ना उसके अलावा कुछ और आपको। आलिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हर बात उल्टा क्यों सोचती हो? उल्टा मैं नहीं भाई, उल्टा आप सोच रहे हैं। सच नजर नहीं आ रहा है आपको भाई, आपको दिखता नहीं कि भाई सब इसका प्लान है, शुरू से लेकर अब तक सब कुछ इसका प्लान है। अरे पहले पहले इसकी बहन ने मेरा पूरा मुझसे छीना और फिर सब कुछ जानते हुए इसने आपसे शादी की, फिर आपको अपनी बातों में इसने लगाया और दादी को अपना दीवाना बना लिया ताकि ताकि इसे इस घर से कोई भी बाहर ना निकाले। ये सब इसका प्लान था, ये सब प्लान करती है, ये सब स्कीमिंग यही करती है भाई। इसी ने ये सब कुछ किया ताकि इस घर में ये अपनी जगह परमानेंट कर ले और फिर से कोई इसे यहाँ से निकाल नहीं पाए, और इसीलिए अब ये अपनी बहन को भी इसी घर में ला रही है भाई। इसी प्लानिंग के हिसाब से ये सब कुछ यही कर रही है भाई। आपको नजर नहीं आ रहा है? आलिया हो क्या गया है तुम्हें, बदलो अपने आप को। अगर तुम इसी तरह सबके बारे में सोच रही तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। कैसे रह पाऊंगी मैं गुड, जब मेरे खुद के भाई ने मेरी खुशी किसी और की बहन को दे दी हो तो मैं खुश कैसे रह पाऊंगी? अरे सब कुछ इसने किया है। इसने मैं इसे पालू पिघला। जस्ट स्टॉप इट, इनफ। तुमने इसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो। और
तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब मुझे गुस्सा आता है तब मुझे कुछ नहीं दिखता। आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मुझे उस लेवल तक मत ले जाओ। वरना इस घर में कोई रिश्ता जुड़े ना जुड़े, लेकिन भाई बहन का रिश्ता जरूर टूटेगा। बुलबुल के साथ अब अगर तुमने इसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन। दादी अभी आप ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं बेटा, तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार तूने मेरी सलाह लिए बगैर ही एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला किया है। बेटा मैं भी तो शुरू से यही चाहती थी ना, और तूने कर दिखाया। अभी मैंने तेरी शादी प्रज्ञा से इसलिए की थी, मैं जानती थी कि वो धीरे धीरे तुझे बदल देगी। अब देख तुझ में कितना बदलाव आ गया है। अब तू रिश्तों और रिश्तों की अहमियत को समझने लगा है बेटा। अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई भी तेरी अच्छाइयों का नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा। अब मैं तुम दोनों को लेके बिल्कुल बेफिक्र हो गई। लेकिन दादी इस सब में आलिया तो मेरी दुश्मन बन गई है ना। मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन आलिया के मन में मेरे लिए नाराजगी नहीं देख सकता। बेटा जी ये तो कुछ भी नहीं, जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं ना वो हमेशा अपने आप को अकेला ही पाते हैं। तू फिक्र क्यों करता है, तेरी तो बीवी तेरे साथ है ना। और एक बात और, जिनकी नियत साफ होती है ना नियति भी उसी का साथ देती है। और ये आलिया हम सब जानते हैं थोड़ी जिद्दी है, तेरी ही बहन है, तेरी बातों को देर से ही समझेगी ना। पर प्यार भी तो तुझे बहुत ही करती है ना बेटा। एक बार उसका गुस्सा ठंडा होने दे, फिर देखना वो तेरी बात को जरूर समझ जाएगी। थैंक यू दादी, आपसे बात करने के बाद लग रहा है कि मैंने जो किया ना वो ठीक किया। देखो तुम परेशान मत हो, अपने फैमिली को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आले के पागलपन की वजह से तुम्हारी फैमिली को कोई भी परेशानी हो। वो लोग शादी को लेकर इतने खुश है, उन्हें खुशी रहने दो। लेकिन मुझे आलिया की बहुत फिक्र हो रही है। मानती हूँ कि उसके कहने का तरीका गलत था लेकिन उसकी बात सही थी। उसका अपना भाई उसकी खुशी छोड़कर किसी और की खुशी के बारे में सोच रहा है। मैंने जो भी किया वो मैं जानती हूँ किस लिए किया आपने।
बस ये कह रही हूँ कि आपको आपको उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसकी फीलिंग्स हर्ट हुई। यही बात हम उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे। काश कि मैं ऐसा कर पाता, लेकिन वो आलिया है, उसे कौन सी बात किस तरीके से समझाना ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कोई तरीका भी तो नहीं था ना मेरे पास। ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन आप बस ये शादी इस घर में मत करवाइए। आलिया अपनी आंखों के सामने ये शादी देखेगी, उसे ऐसा सदमा लगेगा वो कभी नहीं भूल पाई। आलिया के पागलपन को देखने के बाद अब तो और भी जरूरी हो गया कि ये शादी इसी घर में हो, क्योंकि अगर आलिया इस शादी में शामिल नहीं हुई ना तो वो जिंदगी भर पूरब को भुला नहीं पाएगी। उसे हमेशा ऐसा ही लगता होगा कि अगर वो कोशिश करती हो तो पूरब को पा सकती थी, और दूसरी तरफ अगर वो इस शादी में शामिल होती है तो उसके पास इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा करने से तो आलिया का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। इस शादी से बहुत लोगों की खुशियां जुड़ी हुई है, और मैं किसी एक की जिद के लिए उन सब से उनकी खुशियां नहीं छीन सकता। और वैसे भी आलिया को जिंदगी भर तकलीफ में देखने से अच्छा है कि आज मैं उसे वो तकलीफ दे दूं। एनीवेज अब शादी को लेकर मुझे पूरब से कुछ बातें करनी, मैं उसे मिलने जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू नो कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ मुझसे प्यार करती है। मैं आसानी से तुम्हारे हाथों में नहीं आने वाली, समझे? ठीक है, तब तक ही गुलाब और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। मुझे माफ कर दे। माँ क्यों? नहीं, मुझे बोलने दे। मुझे पता है कि थोड़े दिनों में तू ये घर छोड़कर अपने घर चली जाएगी, लेकिन मैं अपने दिल पर बोझ रखकर तुझे विदा नहीं करना चाहती। माँ ये आप क्या कह रही हैं? चाहती हूँ कि मेरे हाथ हमेशा तेरे लिए आशीर्वाद और प्यार से उठे। मुझे नहीं पता कि ये तेरी किस्मत की वजह से हो रहा है या मेरी मजबूरी की वजह से, लेकिन मैंने हमेशा हमेशा प्रज्ञा से ज्यादा तुझ पे शक किया। नहीं माँ, तुझ पे शक किया है मैंने, तुझे तेरी खुशियां नहीं दी और हमेशा ये सोचा कि तू जो कुछ भी कर रही है वो प्रज्ञा के खिलाफ है। तुमने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, पर मैं क्या करती बेटा? प्रज्ञा के साथ जो कुछ भी हो रहा था ना, मुझे लगता था कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है, और उस बेचारी ने भी तो बहुत झेला। तू तो जानती है ना, तेरी प्रज्ञा दीदी को पहले तो कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था, फिर उसकी शादी टूट गई, और फिर अभी की साथ शादी के बाद जो कुछ भी हुआ वो जो कुछ। माँ आप ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो, क्यों सोच रहे हो आप ऐसे? आपकी किसी भी बातों का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा, तो मैं तुम्हें शिकायत क्यों करूंगी? मेरी छोटी सी बेटी कब इतनी जल्दी बड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुझे पता है लोग कहते हैं कि जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना तो माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन मेरी बेटियां जब बड़ी हुई तो मेरी जिम्मेदारी बड़ी नहीं, उल्टा उन्होंने जिम्मेदारियां कम कर दी। तू खुश है ना? हाँ माँ, मैं खुश हूँ, लेकिन पूरब से मिलने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें आपकी मर्जी और खुशी दोनों है। हे प्रज्ञा, कांग्रेचुलेशंस। अरे ये क्या, तुम्हारी बहन की शादी फिक्स हुई है, मुबारकबाद नहीं लोगी? मुझे तुम्हारी विशेष की कोई जरूरत नहीं, इसी की जरूरत है तुम्हें। जितना मन बहलाना है इसी से बहला लो, क्योंकि मैं जानती हूँ ये शादी तो नहीं होगी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे आलिया से मिलना। वो नहीं मिलेगी तुमसे। क्यों? क्योंकि वो दरवाजा नहीं खुलेगी। अब सोचो, मेरी आवाज सुन के उसने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारी आवाज सुन के तो इम्पॉसिबल। प्रज्ञा।
मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सब जो तुम कर रही हो ना, मैं सब जानती हूँ। और ये मत सोचना कि तुम गेम बहुत स्मार्टली खेल रही हो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगी। तो क्या करोगी? धक्का दोगी मुझे? लो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, पुश मी। पर एक बात याद रखना, अभी मुझसे प्यार करता है। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो वो तुम्हें तो